तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट महात्मा, क्रिप्टो की सही जानकारी यहीं पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किशु इनू के नए अपडेट के बारे में, जिससे हमें, मुझे, आपको और सभी को फायदा होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है किशु इनू में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ऐसा ना हो कि वो इवेंट आपसे मिस हो जाए। तो और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक नए कॉइन की सीरीज लाया हूँ, उस पर मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, तो ये सब उसके थंबनेल हैं। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लिए, हो सकता है इससे आपका कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अंत तक देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बार हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे किशु का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। किशु के परफॉर्मेंस में देखिए 2% की बढ़ोतरी देखी जा रही है आज के प्राइस चेंज में। 2% किस लिए देखी जा रही है कि जैसे जैसे, अब देखिए इसमें बाइंग बढ़ेगी। रीजन क्या है कि अब बर्न एक्टिविटीज आने वाली है इनकी, ठीक है, और इनका क्लॉथिंग स्टोर भी आ रहा है। ध्यान करके रखो, यहां पे किशु जो है जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिटर्न देके जाएगा ही। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट करें तो उसको प्लीज होल्ड भी कर सकते हो, बट होल्ड करने की सीन यही आप समझ के चलो कि ये देखिए, ये एक दिन का चार्ट है और ग्रीन है मार्केट, और 7 दिन के चार्ट में देख सकते हो 7 दिन में ग्रीन नहीं होगा, रेड होगा। क्यों? क्योंकि तो देख लीजिए, 1 महीने में देख लेते हैं, 7 दिन में आप देख रहे हो प्राइस कहां गिरा हुआ है। अब आप ये देखो कि 1 महीने का, तो जाहिर सी बात है वो 7 दिन जो रेड हुए उन्हीं 1 महीने के अंदर वो भी होंगे। तो ऐसा कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए, अब कोई भी टोकन हो, जब उसमें कुछ एक्टिविटीज होती है तो उसमें पंप आता है, डेफिनेटली आता है। समझदार लोग हैं जो अभी बाइक करेंगे और जहां उसमें कुछ एक्टिविटीज हुई, थोड़ा सा रिटर्न हुआ, $2-4 बढ़ा के ऊपर से बेच बच के निकल लेंगे। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा आपका रिटर्न, ये आप ध्यान रखिए, बट अपना दिमाग जरूर लगाइए। सामने आपके आप देख सकते हो, इसमें $1 में 92,83,93,044, तो ठीक है आप बाइंग कर सकते हो, $1 कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के लिए। मैं ट्रेडिंग वैल्यूम देख लीजिए, ट्रेडिंग वैल्यूम में वही हो रहा है प्राइस। अब आप समझिए, यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेडिंग वैल्यूम क्यों गिरा हुआ है, कि जब ये कल शाम को, यानी कल आज मॉर्निंग में, रात में इनकी मॉर्निंग हुई, तो जब ये ऊपर गया तो इन्होंने सेल किया, नीचे आके इन लोगों, अब ये वेट कर रहे हैं कि देखें और कितना नीचे जाता है, तब हम बाई करेंगे। तो समझदार लोग यही करते हैं, मार्केट रैंक इनका वही है, ठीक। तो दोस्तों ट्विटर पे भी देख लेते हैं, 2 दिन पहले का अपडेट किया हुआ है इन्होंने, पॉइंट करके रखा है कि एज प्रॉमिस किशु फर्स्ट गेम क्रिप्टो चॉम। तो ये देख रहे हैं इन्होंने कहा है कि किशु का जो पहला गेम है क्रिप्टो चॉम आ चुका है। देखिए, इट इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम नाउ, इन्होंने बताया था, देख लो ये लिंक है, आप यहाँ पे खेल सकते हो। इसका खेलने का तरीका वो बहुत सिंपल है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको जानना नहीं चाहते, बताना मैं। अब ये जो है कम्युनिटी वोट टेकिंग प्लेस, अब यहां पे देखिए, ये जब आप पढ़ोगे ना तो आप ये ध्यान करो, ये एक्चुअली इनका कहने का सीधा सा मतलब है, इसको जब आप ध्यान से पढ़ोगे, इत्मीनान से इसको बैठ जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर जूम करके पढ़िएगा, इसमें साफ साफ लिखा है ये भी शिबा की तरह ही अपना एक पूरा क्वाइन का क्या बोल सकते हैं कि क्वाइन सपोर्ट लेना चाहते हैं, लाइक बोन लीज। इनका मतलब यही है बनाने का कि अगर शिबा को स्ट्रांग होना तो उसने बोन और लीज को इन्वॉल्व किया, उसी तरह इनका भी कुछ प्लान चल रहा है, इस तरह का हो रहा है। और बर्न एक्टिविटीज में ये कुछ ज्यादा एक्टिविटी करना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वाइन को हम मतलब बर्न करें, जिससे कि इनके क्वाइन के प्राइस बढ़े। और ये जो वोटिंग हुई है, ये इनके किसके वोटिंग की वजह से हुई है, इन्होंने वोट लिया था क्या बर्न करना चाहिए हमें, तो सबने वोट किया हाँ भाई बर्न होना चाहिए, जिससे प्राइस बढ़े, ठीक है। उन्हें 2-3 ऑप्शन थे, मैंने भी वोट किया था बर्न के लिए, तो इस तरह का था कि भाई बर्न होना चाहिए, हम इसको सेल आप सजेस्ट करें किसी को, तो ये बर्न के लिए ज्यादा लोगों ने बोला। बट इनका जो कहने का मतलब है कि जैसे शिबा ने बोन लीज और ये सब लाए, तो दोस्तों जाहिर सी बात है किशु में बर्न एक्टिविटीज होने वाली है और डेफिनेटली होने वाली है, तो ध्यान रखिए प्राइस इसका बूम करेगा। अगर अभी सही समय है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर लो, जब ऊपर जाएगा तो बेच लीजिएगा, और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो प्लीज होल्ड करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि 2022 से 25 का जो साल है वो क्रिप्टो का होने वाला है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम के इनके ऑफिशियल पेज पे किशु इनू के, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक छोटा सा इन्होंने टैग दिया हुआ है, मतलब एक्टिविटी, ये मेरे को इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि एक्टिव रहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे। दूसरी चीज़, इसमें पंप
आ सकता है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी, देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा कि इशू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वाइन ऑफ द फ्यूचर, बर्न एनएफटी एंड क्लोथिंग स्टोर और ऑन द वे। इसका मतलब आप समझ सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा दूं कहां पे लिखा हुआ है, इस जगह ये देखिए यहां पे लगा हुआ। तो आप एक चीज ध्यान करके रखो कि ये प्राइस में जरूर ना जरूर कुछ चेंज आएगा। आप देखो अभी क्या है, अगर थोड़ा सा कम चल रहा है, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्यों नहीं। देखो प्राइस प्रेडिक्शन कहीं कोई नहीं कर सकता, और कोई प्राइस प्रेडिक्शन का श्योर बोल रहा हो, सिर्फ मैंने एक में ही प्राइस प्रेडिक्शन किया है जो कि शिबा है, और डेफिनेटली शिबा का प्राइस बढ़ेगा, कोई हालत में कोई रोक नहीं सकता। यहां पे आप क्या है, क्वाइन होल्ड कर लो, ठीक है। जब कोई ब्रांड अपने आप को प्रमोट करता है ना, तो जगह जगह वो तरीके खोजता है उसको प्रमोट करने के, ठीक है। और इनका मार्केटिंग प्लान मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फेज 5-6 के बीच में इनका काम चल रहा है, तो 99% ये है कि इनके प्राइस में चेंज आएगा। और देखो आने वाला टाइम ना 2022 से 25, ये पूरा क्रिप्टो के लिए ही बना है। आप मान के चलो सारे देश इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पबजी बैन भारत में बंद हुआ पर चल रहा था, तो सब एक्सेप्ट है, डोंट वरी, आराम से होगा। और थोड़े पैसे इन्वेस्ट करिए, अपना दिमाग जरूर लगाइएगा, ठीक है। अभी बात कर ले, देखिए मैंने बोला ना मार्केटिंग के इनके छोटे छोटे एक्टिविटीज चला करती है। देखिए लिखा हुआ ना, डिड समवन सेज वन लिटिल मीम पिग ड्रीम, तो ये अपना तैयार रहते हैं। ये देखिए कि इंस्टाग्राम पे इन्होंने इस तरह का गेम एक डाला हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो खेलने के तो आप इसके खेल सकते हैं, लिंक इसमें पड़ा हुआ है, ये आके ऑफिशियल पेज पे। अब ये देखिए इन्होंने दिया हुआ है, मैं इसको एक बार देख लेंगे, यहाँ लिखा देखिए फ्रॉम दुबई टू, इनके दो एक्टिविटीज की बड़ी एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं, ये देखिए रियो डी में हुआ था जो ब्राजील में है, ये देख सकते हैं। अब आप देखो लिफलेटिंग करा रहे हैं, ये बहुत ही ऐसा तरीका है लोगों से जुड़ने का, देख रहे हैं आप, और रोनाल्डिनो की इस पे फोटो लगी हुई है, तो आप समझ सकते हो कि यहां पे ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब ये जरूर डेफिनेटली प्राइस बूम करेगा इसका, आज नहीं करेगा थोड़ा रुक के करेगा, बट प्लीज रातों रात आप क्रिप्टो में रईस नहीं बनेंगे, अमीर नहीं बनेंगे, वो टाइम चला गया जब लोग ऐसा होता था, ठीक है। तो अभी इसकी एक और सबसे अच्छी अपडेट ये है कि ये देख रहे हैं सीसिल एक्स में ये रजिस्टर्ड हो चुका है, यहां पे आप देख लो लिखा हुआ ना वेलकम एक्सचेंज में, ये अपने एक्सचेंजेस में भी ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड होता जा रहा है, जिससे कि कई कई जगह क्या होता है, कई सारे लोग हैं दूसरे एक्सचेंज में बाइंग नहीं करते, कोई बाइनेंस में, कोई हॉटबिट में, कोई कहीं, जैसे मैं बाइनेंस में नहीं हूं, मैं हॉटबिट पे बाई करता हूं, तो मुझे हॉटबिट अच्छा लगता है, बिट मार्ट है वहां से बाय करता हूं, तो इस तरह का इन्होंने दिया हुआ है। तो ज्यादा जितने ज्यादा एक्सचेंज में होगा पब्लिक गैदरिंग उतनी बढ़ेगी, और जब उतनी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो में बूम आएगा, और किशु इनू में डेफिनेटली बूम आएगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार बनाए रखिए।